टू कॉस एक्स का बॉक्स, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बॉक्स ऑफ टू कॉस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स इन जीरो टू टू पाई इज। ये जो फंक्शन एफ एक्स का रेंज बताना है जब टू कॉस एक्स का बॉक्स प्लस साइन एक्स का बॉक्स इक्वल टू माइनस थ्री है। देखो टू कॉस एक्स का बॉक्स प्लस साइन एक्स का बॉक्स इक्वल टू माइनस थ्री है, ठीक है, इक्वल टू माइनस थ्री है। अब देखो कॉस एक्स का वैल्यू माइनस वन से वन तक होता है, तो टू कॉस एक्स का वैल्यू माइनस टू से टू तक होगा। उसका बॉक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इसका जो बॉक्स है उसका बॉक्स का वैल्यू पॉसिबल है माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू, ये पॉसिबल है। और साइन एक्स का बॉक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, माइनस वन, जीरो और वन, ठीक है। लेकिन होना चाहिए माइनस थ्री। माइनस थ्री कब होगा, जब ये भी अपना मिनिमम वैल्यू देगा माइनस टू और ये भी अपना मिनिमम वैल्यू देगा माइनस वन, तभी माइनस थ्री आएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं टू कॉस एक्स का जो बॉक्स है उसका वैल्यू माइनस टू देना चाहिए एंड, और एंड लगाना है, साइमल्टेनियसली साइन एक्स का बॉक्स का वैल्यू होना चाहिए माइनस वन, ठीक है। जब ये माइनस टू देगा, जब ये माइनस टू देगा तब इस केस में जो टू कॉस एक्स है, टू कॉस एक्स उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू माइनस टू से लेकर माइनस वन तक होगा, ठीक है। माइनस टू क्लोज ब्रैकेट और माइनस वन ओपन होगा। और यहाँ पे देखो जब साइन एक्स का बॉक्स का वैल्यू माइनस वन है तो साइन एक्स का वैल्यू होगा माइनस वन से लेकर जीरो तक, माइनस वन क्लोज और जीरो ओपन, और एंड लगाना है। एंड मतलब दोनों का जो वैल्यू रहेगा उसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन से लेकर होगा माइनस वन बाई टू तक एंड, और साइन एक्स का वैल्यू यही रहेगा, साइन एक्स का जो वैल्यू है ये होता है माइनस वन से लेकर जीरो तक। अब ग्राफ बनाना है, देखना है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन वैल्यू क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक ही ग्राफ में हम दोनों प्लॉट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। चलो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं इसमें। तो जब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीरो से टू पाई तक देखना है, जीरो से टू पाई तक, इसलिए हम लोग जीरो से लेकर टू पाई तक ही साइन एक्स का ग्राफ बनाए हैं। तो जीरो से टू पाई तक हो गया, माइनस वन से जीरो होना चाहिए, ठीक है, माइनस वन जीरो होना चाहिए। तो ये है माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन से जीरो होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू है पाई से लेकर टू पाई तक, मतलब जहाँ पे साइन एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव है तो माइनस वन से जीरो तक यही पे आएगा ना। तो इससे एक्स का जो वैल्यू है वो मिला हम लोगों को, कितना मिला, पाई से लेकर टू पाई तक, ठीक है। और जीरो में ओपन है इसलिए पाई और टू पाई पे ओपन रखना है। अब कॉस एक्स का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ इसी में बना लेते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ, तो और जीरो से टू पाई तक बनाना है कॉस का ग्राफ। तो यहाँ से ऐसे ये जीरो से टू पाई तक कॉस एक्स का ग्राफ हो गया और बोल रहा है कि कॉस एक्स का जो वैल्यू है माइनस वन से लेकर माइनस वन बाई टू तक होना चाहिए। तो माइनस वन तो ठीक है, पाई पे माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन बाई टू से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस वन बाई टू से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगा। और ये माइनस वन बाई टू कहाँ पर होता है, पहले तो पाई बाई टू से बड़ा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है जहाँ माइनस वन बाई टू होता है वो होता है पाई माइनस पाई बाई थ्री, मतलब टू पाई बाई थ्री। और ये यहाँ पे एक होता है माइनस वन बाई टू जो पाई से ग्रेटर, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो पाई प्लस पाई बाई थ्री मतलब फोर पाई बाई थ्री। तो कॉस एक्स का वैल्यू माइनस वन से लेकर माइनस वन बाई टू तक होगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है टू पाई बाई थ्री, और देखो इक्वल टू दो, यहाँ माइनस वन में इक्वल है ना, माइनस वन तो पाई पे होता है और माइनस हाफ पर ओपन है, इसलिए टू पाई बाई थ्री और फोर पाई बाई थ्री पर ओपन रहेगा। तो ओपन ब्रैकेट ऑफ टू पाई बाई थ्री टू फोर पाई बाई थ्री, ये हो गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना, दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड है ना, दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक तो बोला कि पाई से लेकर टू पाई तक है, ये टू पाई से फोर पाई, फोर पाई बाई थ्री तक है, टू पाई थ्री से फोर पाई थ्री तक। तो दोनों का कॉमन वैल्यू हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू पाई से लेकर फोर पाई बाई थ्री तक, ये वैल्यू होगा, तभी ये माइनस थ्री होगा, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू मिल गया कि किसमें हम लोग को देखना है, रेंज फाइंड करना है। और एफ एक्स का वैल्यू है साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स लिखते हैं,
इधर लिखते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स प्लस रूट थ्री कॉस एक्स। इसका रेंज फाइंड करना है। देखो टू से इंटू करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे, तो टू से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स इंटू वन बाई टू होगा प्लस कॉस एक्स इंटू रूट थ्री बाई टू होगा। ठीक है, टू का टू और साइन एक्स का साइन एक्स, और वन बाई टू को लिखेंगे कॉस पाई बाई थ्री प्लस कॉस एक्स, और रूट थ्री बाई टू है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई थ्री। ठीक है, तो देखो टू का टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं ना हम लोग साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है, तो टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू पाई से लेकर फोर पाई बाई थ्री तक है, तो एक तो एक्स प्लस पाई बाई थ्री का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री से लेकर पाई फोर पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री तक। मतलब x प्लस पाई बाई थ्री का जो वैल्यू है वो हो जाएगा फोर पाई बाई थ्री से लेकर फाइव पाई बाई थ्री तक। अब देखो फोर पाई बाई थ्री से फाइव पाई बाई थ्री तक साइन का वैल्यू क्या होता है, उसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं साइन x का। तो साइन x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक हम लोग देखना है, फोर पाई बाई थ्री से लेकर फाइव पाई बाई थ्री तक। हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं जीरो से टू पाई तक, इसी में आ जाएगा वो। तो फोर पाई बाई थ्री है पाई प्लस पाई बाई थ्री पर, तो पाई प्लस पाई बाई थ्री है ये वाला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है फोर पाई बाई थ्री, और फाइव पाई बाई थ्री है टू पाई माइनस पाई बाई थ्री यहाँ पे होगा, ये है फाइव पाई बाई थ्री। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई थ्री पर पाई प्लस पाई बाई थ्री वैल्यू कितना होगा, माइनस रूट थ्री बाई टू होगा, और 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री करेंगे ना, तो ये भी हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू। तो ये तो वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू हो रहा है ना, तो बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है ये माइनस वन आ रहा है। इसका मतलब हो गया 4 पाई बाई थ्री से 5 पाई बाई थ्री तक साइन का जो वैल्यू है, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री का जो वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस वन से लेकर माइनस रूट थ्री बाई टू तक। ठीक है, अब यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो जब टू लगाएंगे तो यहाँ लिखते हैं टू ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई थ्री, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस टू से लेकर माइनस रूट थ्री तक। ठीक है, यही हो जाएगा रेंज। तो रेंज आ गया माइनस टू से लेकर माइनस रूट थ्री तक। अब देखो माइनस टू से लेकर माइनस रूट थ्री तक कौन सा ऑप्शन में है, यह है डी ऑप्शन, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन।